हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, आई लव यू। स्वागत है आप सभी के आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन पढ़ाई पर। आज चार अक्टूबर से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं हम लेकर आए हैं इस वीडियो में। हाँ, अगर आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो कृपया इसे पूरा देखने का प्रयास करें। अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ी भी हेल्पफुल होती है तो कृपया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन है, भारत और किस देश के नौसेना के बीच द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास बंगो सागर का दूसरा संस्करण आयोजित किया गया है? तो इसका सही जवाब है बांग्लादेश। भारत और बांग्लादेश की नौसेना के बीच द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास बंगो सागर का दूसरा संस्करण आयोजित किया गया है। बंगो सागर नौसैनिक अभ्यास का उद्देश्य दोनों सेनाओं की सैन्य क्षमता को बढ़ाना और भविष्य में युद्ध जैसी स्थिति के लिए खुद को तैयार करना है। बंगो सागर नौसैनिक अभ्यास बंगाल की खाड़ी में आयोजित हुआ है। फ्रेंड्स, यहाँ बात हुई है बंगाल की, बांग्लादेश की। तो बांग्लादेश की राजधानी ढाका, करेंसी टका एवं प्रधानमंत्री शेख हसीना, राष्ट्रपति अब्दुल हामिद। गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश भारत के साथ सबसे लंबी बाउंड्री बनाता है। इसकी लंबाई है 4096 किलोमीटर। बांग्लादेश भारत के 5 राज्यों की बाउंड्री को छूता है, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, किस देश में देवयानी उत्तम खोबरागड़े को भारत की अगली राजदूत नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब है कंबोडिया। कंबोडिया देश में देवयानी उत्तम खोबरागड़े को भारत की अगली राजदूत नियुक्त किया है। फ्रेंड्स, यहाँ बात हुई है कंबोडिया की। तो कंबोडिया एशिया महाद्वीप में स्थित है। राजधानी है फनोम पेन। करेंसी है कंबोडियन रियाल और प्रधानमंत्री हैं हुन सेन। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की जयंती के साथ किसकी जयंती मनाई गई है? इसका सही जवाब है लाल बहादुर शास्त्री की। 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की जयंती के साथ लाल बहादुर शास्त्री की जयंती मनाई गई है। लाल बहादुर शास्त्री का जन्म 2 अक्टूबर 1904 को हुआ था। और यह हमारे देश के दूसरे प्रधानमंत्री थे, सेकंड पीएम। लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। फ्रेंड्स, यहाँ बात हुई अक्टूबर माह की, तो अक्टूबर माह के दो कुछ इम्पोर्टेंट दिन देख लेते हैं हम लोग, महत्वपूर्ण दिवस। तो 1 अक्टूबर को विश्व शाकाहारी दिवस, एक अक्टूबर को बुजुर्गों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस, 2 अक्टूबर गांधी जयंती, 2 अक्टूबर अंतर्राष्ट्रीय दिवस, 4 अक्टूबर विश्व पशु कल्याण दिवस, 5 अक्टूबर विश्व शिक्षक दिवस, 8 अक्टूबर भारतीय वायुसेना दिवस, 9 अक्टूबर विश्व डाक दिवस, 10 अक्टूबर विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस, 12 अक्टूबर विश्व दृष्टि दिवस, 14 अक्टूबर विश्व मानक दिवस, 16 अक्टूबर विश्व खाद्य दिवस, 17 अक्टूबर अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस, 24 अक्टूबर विश्व विकास सूचना दिवस, 30 अक्टूबर विश्व बचत दिवस, 31 अक्टूबर राष्ट्रीय एकता दिवस। फ्रेंड्स, ये थे कुछ अक्टूबर माह के इम्पोर्टेंट दिवस। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने सड़कों की मरम्मत के लिए पथश्री अभियान नामक योजना शुरू की है? तो इसका सही जवाब है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल राज्य सरकार ने हाल ही में सड़कों की मरम्मत के लिए पथश्री अभियान नामक योजना शुरू की है। पथश्री अभियान यह एक सड़क मरम्मत योजना है जिसमें सड़कों का निर्माण आधुनिक तरीके से किया जाएगा ताकि सड़क दुर्घटनाएँ कम हो सकें। फ्रेंड्स, यहाँ बात हुई पश्चिम बंगाल की, तो पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, गवर्नर जगदीप धनखड़ और मुख्य न्यायाधीश TBN राधाकृष्णन। लोकसभा सीट पश्चिम बंगाल की 42, राज्यसभा सीट 16, विधानसभा सीट 294। 5 पड़ोसी राज्य असम, सिक्किम, बिहार, झारखंड और ओडिशा। 3 पड़ोसी देश बांग्लादेश, नेपाल और भूटान। पश्चिम बंगाल का राजकीय पशु फिशिंग कैट, राजकीय पक्षी किंगफिशर और राजकीय वृक्ष डेविल वृक्ष है। दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा, जो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी पर बनती है, यह भी पश्चिम बंगाल में ही बनता है। पश्चिम बंगाल में गंगा नदी की सहायक नदी दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। कोलकाता हुगली नदी के किनारे पर स्थित है और कर्क रेखा भारत के पश्चिम बंगाल राज्य से होकर गुजरती है।
कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर निकलती है। ये 8 राज्य हैं गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में मैट्रिक परीक्षा में 75% या उससे ज़्यादा अंक प्राप्त करने वाले छात्रों को आनंदोरम बोरुआ अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही जवाब है असम में। असम की राज्य सरकार ने छात्रों को शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए आनंदोरम बोरुआ अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। फ्रेंड्स यहाँ बात हुई असम की, तो असम की राजधानी दिसपुर, मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल, गवर्नर जगदीश मुखी, मुख्य न्यायाधीश अजय लांबा, लोकसभा सीट 14, राज्यसभा सीट 7 एवं विधानसभा सीट 126। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है, पाकिस्तान महिला क्रिकेट बोर्ड ने किसे महिला क्रिकेट टीम का कोच नियुक्त किया है? तो इसका सही जवाब है डेविड हेम। पाकिस्तान महिला क्रिकेट बोर्ड ने महिला क्रिकेट टीम का कोच डेविड हेम को नियुक्त किया है। डेविड हेम बरमूडा के पूर्व क्रिकेटर हैं और यह इकबाल इमाम का स्थान लेंगे। फ्रेंड्स यहाँ बात हुई है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, इसका शॉर्ट फॉर्म होता है PCB, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। पाकिस्तान में क्रिकेट खेलने को PCB रेगुलेट करता है, यानी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, जैसे कि भारत में खेल को BCCI रेगुलेट करता है। फ्रेंड्स PCB की स्थापना 1949 को हुई थी, मुख्यालय है लाहौर में, अध्यक्ष एहसान मणि, CEO है वसीम खान। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है, किसने जनजातीय उद्यमिकता विकास कार्यक्रम का शुभारंभ किया है? तो इसका सही जवाब है अर्जुन मुंडा ने। हाल ही में अर्जुन मुंडा ने जनजातीय उद्यमिकता विकास कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। इस कार्यक्रम के तहत आदिवासी समुदायों की क्षमता का विकास करना, सामाजिक आर्थिक विकास में उनके योगदान को बढ़ावा देना और आदिवासी समुदाय को सशक्त बनाना है। अर्जुन मुंडा केंद्रीय जनजाति कार्य मंत्रालय के मंत्री हैं। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने कृतज्ञता नामक पोर्टल को लॉन्च किया है? तो इसका सही जवाब असम ने। असम राज्य सरकार ने हाल ही में कृतज्ञता नामक पोर्टल को लॉन्च किया है। इस पोर्टल का उद्देश्य मोबाइल और पेंशन संबंधी सारी जानकारी उपलब्ध कराना है। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है, किसने 90 दिन में 350 ऑनलाइन कोर्स करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो इसका सही जवाब है आरती रघुनाथ ने हाल ही में 90 दिन में 350 ऑनलाइन कोर्स करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। आरती रघुनाथ केरल राज्य की रहने वाली हैं। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में एस अपूड़ा को केंद्रीय औषधि विभाग में नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब है गुजरात राज्य में एस अपूड़ा को केंद्रीय औषधि विभाग का सचिव नियुक्त किया गया है। फ्रेंड्स यहाँ बात हुई है गुजरात की, तो गुजरात की राजधानी गांधीनगर। मुख्यमंत्री विजय रूपाणी, गवर्नर आचार्य देवव्रत, मुख्य न्यायाधीश विक्रमनाथ, लोकसभा सीट 26, राज्यसभा सीट 11, विधानसभा सीट 182। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है, वेस्ट इंडीज क्रिकेट टीम ने किसे वेस्ट इंडीज महिला क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया है? तो इसका सही जवाब है कर्टली वाल्स को। वेस्ट इंडीज क्रिकेट टीम ने कर्टली वाल्स को वेस्ट इंडीज महिला क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया है। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है, विजयी वर्धन को किस राज्य का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब है हरियाणा। विजयी वर्धन को हरियाणा राज्य का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। फ्रेंड्स यहाँ बात हुई हरियाणा राज्य की, हरियाणा राज्य की राजधानी चंडीगढ़, मुख्य मंत्री मनोहर लाल खट्टर, गवर्नर सत्यदेव नारायण आर्य, मुख्य न्यायाधीश रविशंकर झा एवं लोकसभा सीट 10।
राज्यसभा सीट 5, विधानसभा सीट 90। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है, चरणजीत सुरेंद्र अतर्रा को किस बैंक का मुख्य वित्तीय अधिकारी CFO नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब है SBI, चरणजीत सिंह सुंदर अतर्रा को SBI मुख्य वित्तीय अधिकारी नियुक्त किया गया है SBI का। तो फ्रेंड्स यहाँ बात हुई है SBI की, तो SBI का फुल फॉर्म स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, भारतीय स्टेट बैंक है। स्थापना 1 जुलाई 1955, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और इसका मुख्यालय मुंबई। पुराना नाम इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। अध्यक्ष रजनीश कुमार, MD अश्वनी भाटिया। टैगलाइन द बैंकर टू एवरी इंडियन। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है, कैसी लगी फ्रेंड्स हमारी आज की वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हाँ, अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ी भी हेल्पफुल होती है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।